हिंसा मामले के दौरान जो शख्स तमंचा लहराते हुए नजर आया उसका नाम है सलीम चिकना और सोनू। सोनू के घर तक पहुंची आज तक की टीम। जिस गली में सोनू रहता है उस गली से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अरविंद ओझा। जहांगीरपुर हिंसा में एक शख्स जो नीली टी शर्ट पहने हुए गोली चला रहा है आज तक उसके घर तक पहुंचा है। ये जो सोनू शेख जो शख्स है उसका ये घर है। उसके भाई सलीम चिकना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सलीम चिकना की मां का ये दावा है कि सलीम हिंसा में शामिल नहीं था, चूंकि उसका भाई गोली चलाते हुए दिखाई दिया है और वो फिलहाल फरार है, इसलिए सलीम चिकना को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन अभी जो जिसने गोली चलाई थी वो फिलहाल फरार चल रहा है, जबकि पूरे परिवार से लगातार जो जहांगीर पुलिस थाने की पुलिस है वो लगातार पूछताछ कर रही है। ये भी पता चला है कि जो जिस शख्स ने गोली चलाई थी वो चिकन का काम करता और इसी सी ब्लॉक कॉलोनी में वो फिलहाल रहता है, लेकिन वो कहां पर है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मां का कहना है कि चूंकि वहां पर लगातार हिंसा हो रही थी इसलिए वो काफी गुस्से में आया, उसके बाद उसने किसी, जैसा इनकी मां का कहना, किसी से तमंचा छीना है और उसके बाद भीड़ पर फायरिंग की है गुस्से में। लेकिन पुलिस अभी तफ्तीश करेगी, जब आरोपी गिरफ्तार होगा तो उससे लगातार पूछताछ की जाएगी कि आखिर उसके पास जो हथियार है वो कहां से आया। कैमरामैन दीपक के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।